हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजी टेक्निकल बाय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपके जो फोन के अंदर जो घड़ी है उसमें जब जिसमें आप टाइम देखते हैं उसमें आप अपनी फोटो कैसे लगा सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे एक फोटो शो हो रही होगी, उसे आपने देख लिया होगा, तो इसी तरह से जो है कि आप अपने फोन में कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन कर देना प्रेस, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ और अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो है कि आपकी फ़ोन की जो घड़ी होती है उसके अंदर अपनी फोटो कैसे लगा सकते हो। तो सिंपली आपको इस एप्लीकेशन की जरूरत लगेगी और इस एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लोडिंग लेता है और ये बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाती है जो इसकी लोडिंग होती है। तो यहाँ पर आपको आपको अलाउ कर देना है, जब आपसे परमिशन मांगते हैं तो उसे आपको अलाउ करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर आप जो है कि आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको मतलब किस तरह की अपनी जो फोटो बनानी। तो यहाँ पर अभी जैसे आप देखते हैं फोटो क्लॉक जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो आप अपनी फोटो लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है और उसके बाद यहाँ पर अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आपको एक दिख रहा होगा जो फोटो लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करके अपनी एक फोटो को सिलेक्ट कर लेना। तो सिंपली मैं अपनी फोटो एक सिलेक्ट कर लेता हूं। तो सिंपली मैंने अभी अपनी एक फोटो सिलेक्ट कर ली, उसके बाद यहाँ पर आपको डोंट शो पे अगेन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपकी जो फोटो वो आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आप मूव कर सकते हैं, यानी कि इधर उधर कर सकते हैं, आप अपनी फोटो को एकदम सही जगह पे बैठा सकते हैं जिस तरह से आपकी जो फोटो सही दिखनी चाहिए। ठीक है, और इस तरह से बैठाने के बाद अगर आप इसका जो फ्रेम है अगर इसे चेंज करना चाहते हैं तो इसे भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको नीचे देख लेना, आपको यहाँ पर जो BGS लिखा हुआ है यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड वो चेंज हो रहा है, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कि जो इसका फ्रेम है ये आप कैसे चेंज कर सकते हैं, इसकी जो बॉडी है जो इसकी है घड़ी की। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फिर से क्लिक कर देना है, यहाँ पे जो एरो था अभी एक, और उसके बाद यहाँ पर आपको क्लॉक्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लॉक्स पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी एक फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे हैं, तो मैं सिंपली अपना जो पहले वाला उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सेट वॉलपेपर का एक ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट से अभी से आप लगा सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ उमेश कुमार यहाँ पर, तो यहाँ पर टाइप कर दे, उसके बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आप जो लिखेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा, इसे मूव कर सकते हो। उसके बाद आप इसका जो लेटर उस चेंज कर सकते हो, उसका कलर भी आप कस्टमाइज कर सकते हो पूरा मतलब की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको सेट वॉलपेपर पे क्लिक कर देना, तो अभी मैं सेट वॉलपेपर पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं सेट वॉलपेपर पे क्लिक करता हूँ उसके बाद थोड़ी देर लोडिंग लेता है, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सेट एस वॉलपेपर पे क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद जो हमारा वॉलपेपर है ये सेट हो चुका। आप यहाँ पे देखते हैं कि मेरा जो फोन है उसमें वॉलपेपर सेट हो चुका है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और उसमें टाइम भी हमें बताया जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमारा नाम लिखा होता है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन कर देना प्रेस, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।